हाँ, अब तो दादा जो ये मरचुला महोत्सव है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? ये एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रयास किया है कि मरचुला एक ऐसी जगह है, ये बिल्कुल वीरान जगह थी, ज़्यादातर ज़मीनें यहाँ बंजर थी, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप हो रहा है। तो जिला प्रशासन ने इसको पर्यटन की सुर्खियों में लाने के लिए और पर्यटन मानचित्र पर इसको अहमियत दिलाने के लिए आयोजन किया है। इसमें कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहे हैं और तरह तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और 2-3 दिन तक ये फंक्शन चलेगा। आज हम लोग यहाँ मशहूर गायिका मीना राणा जी के साथ आए हुए हैं, गजेंद्र राणा जी के साथ, उनका अभी कार्यक्रम की प्रस्तुति यहाँ पे होनी है। तो तरह तरह के कार्यक्रम यहाँ पे हैं, जिला प्रशासन की पहल पर ये कार्यक्रम हो रहा है उत्तराखंड सरकार की। तो अभी हमारे बीच है तेजेश्वर गुप्त्याल जी, जो एक कुशल वक्ता हैं उत्तराखंड की वादियों के लिए, उत्तराखंड की जन जागरूकता के लिए और उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए इनके काफ़ी अच्छे प्रयास रहे हैं। तो तेजेश्वर जी, आप बताइए ये इस उत्सव के बारे में जो भी मरचुला में चलाया जा रहा है। धन्यवाद दिनेश जी, आज आप देख रहे होंगे आज मरचुला महोत्सव प्रथम बार शुरू हुआ है, जिसका आज इगास का पर्व भी है, क्योंकि इगास हमारे वहाँ पहाड़ में एक दिवाली के 8 दिन के बाद एक विशेष पर्व मनाया जाता है जिसे इगास कहते हैं। और इगास को लेकर आज उत्तराखंड सरकार का भी एक अपना बहुत बड़ा प्रयास रहा है कि हमारे जो प्रवासी भाई बहन है वो अपने गाँव में आकर कहीं ना कहीं अपने घर में एक दिया जलाए और कहीं ना कहीं अपने जो उनके घर आज बंजर हो चुके हैं उन घरों को पुनः आबाद करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है। इसी कड़ी में आज मरचुला महोत्सव का आयोजन भी है और ये मरचुला महोत्सव प्रथम बार हो रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य उत्तराखंड की सभ्यता संस्कृति को जो पर्यटक आएंगे उनके साथ साझा करना है, जिसके माध्यम से पर्यटन में भी बढ़ावा हो। आप देख सकते हैं ये जो शुरुआत हुई है, जो हॉट बैलून उड़ रहा है, कहीं ना कहीं मरचुला महोत्सव को लेकर एक अपने आप में जो सरकार का पर्यटन बढ़ाने को लेकर यहाँ पर है, क्योंकि अभी उत्तराखंड सरकार इस क्षेत्र को पर्यटन कॉरिडोर घोषित कर चुकी है। तो आज इसी की कड़ी में मरचुला महोत्सव आज कार्यक्रम हो रहा है और ये हॉट बैलून इसी की रूपरेखा का एक अंश है। आज इस कार्यक्रम के लिए हमारी उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका मीना राणा जी, गजेंद्र राणा जी भी आज इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगे और अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम का औपचारिक तौर पर शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कुछ देर बाद उत्तराखंड के लोक गायक की प्रस्तुति भी होगी। तो ये हाँ, हमारे संग मौजूद है दिनेश जोशी जी, जो देश विदेश और प्रदेश के टूर करते रहते हैं। दिनेश जी, आज मरचुला महोत्सव हो रहा है और उत्तराखंड सरकार इगास के पर्व पर प्रथम बार मरचुला में इस प्रकार का उत्सव मनाया जा रहा है रामगंगा नदी के तट पर, आप इस महोत्सव के बारे में अपने क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे? जैसा कि मरचुला कॉर्बेट में मरचुला एक अपना विशेष स्थान रखता है, कॉर्बेट का टूरिज्म का 25% जो टूरिज्म है वो मरचुला में होता है। मरचुला के होटल, मरचुला के होटल से कॉर्बेट की एक विशेष तरह की पहचान होती है। तो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा मरचुला महोत्सव कराया जाना एक कॉर्बेट के लिए भी एक अद्भुत पल है कि ऐसे महोत्सव कॉर्बेट में हो रहे हैं और कॉर्बेट के बारे में उत्तराखंड और बाहर के लोगों को पता चल रहा है। तो ऐसे महोत्सव एक भविष्य पैदा कर रहे हैं रोजगार के लिए टूरिज्म के क्षेत्र में उत्तराखंड की ओर से। तो सरकार का भी धन्यवाद है और उन लोगों का भी धन्यवाद है जो लोग इस ऐसे फेस्टिवल को कराने में रुचि रखते हैं और जिनका विशेष योगदान रहा है इन फेस्टिवल को सफल बनाने में। धन्यवाद दिनेश जी। तो आप आज उत्तराखंड जो मैं जो यहाँ पर इगास के दिन आज मरचुला महोत्सव मनाया जा रहा है उसके बारे में हमारे तमाम जो इस क्षेत्र में अपने अनुभव रखने वाले उन्होंने अपनी यहाँ पे सभी को बताए इस प्रोग्राम के बारे में। आप सामने देख सकते हैं कि ये हॉट बैलून है और ये पर्यटन की एक नई शुरुआत को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ से पर्यटन की ओर अग्रसर हो रहा है। हरे हरे श्री हरे हरे श्री हरे हरे। आज नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद है मरचुला महोत्सव में जो पहली बार जिलाधिकारी के द्वारा कराया गया है, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की संस्कृति के साथ साथ यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देना। जितने यहाँ पर पर्यटन आते हैं कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति का प्रचार हो। हम खड़े हैं जो नदी आज श्री हरे हरे पलायन हो चुका है और पहाड़ के जो लोग हैं वो दूर दराज गाँव में रहते हैं, तो संभव नहीं हो पाया यहाँ पर लोगों को आना। तैयारियाँ तो काफ़ी अच्छी थी, आप देख सकते हैं जो मंच पर स्टेज बना है और जो लाइटिंग है उससे पता लग सकता है कि कार्यक्रम की गुणवत्ता कितनी अच्छी है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार के कार्यक्रम को लेकर लोगों के मन में उत्सुकता थी वह कार्यक्रम उस प्रकार से सफल नहीं हो पाया है। ये
प्रथम बार था और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का कहना भी है कि इस कार्यक्रम को लेकर इसका कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार नहीं किया गया था, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम में जो हरी घर में कार्यक्रम में उस प्रकार की भीड़ नहीं जुट पाई जिस प्रकार की जुटी थी। आज यहाँ पर उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायिका जी मीना राणा जी और गजेंद्र राणा जी से कुछ ही देर बाद प्रस्तुतियाँ देंगे। और मरचुला महोत्सव एक प्रयास था प्रथम बार की यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ाने को लेकर, लेकिन लगता नहीं है कि पहाड़ में पलायन के बाद इस प्रकार की कोई एक अनाउंसमेंट ये है कि एक गाड़ी यूके 1923-99 बलिनो जो रोड पे खड़ी है कृपया उसको हटाने का कष्ट करें, जिससे कि उसके बगल में खड़ी हुई दूसरी गाड़ी को निकल डाला जा सकती। एक शानदार महफिल तो यूके 1923-99 बलिनो गाड़ी है, कृपया उसको रोड से हटाने का कष्ट करें। ये माइक एयरफोन से होता है।